दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं वीवो के बारे में। अगर आपको वीवो का फोन अनलॉक करना है, मीडियाटेक एमटीके आईसी वाला मोबाइल अगर आपको अनलॉक करना है वीवो का, तो अनलॉक टूल से किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप ऐसे भी देख रहे हैं कि मैं अभी जो है ऑनलाइन कनेक्ट हूं किसी दूसरे कंप्यूटर पर, अपने सब्सक्राइबर के कंप्यूटर पर, और उनके पास वीवो का मोबाइल है 1820, उस मॉडल को मुझे यहाँ से अनलॉक करना है। तो मैंने अपना आईडी पासवर्ड इसमें डाल दिया अनलॉक टूल में। अगर आपको भी इस टूल को खरीदना है तो आप भी इसे खरीद सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इसे बुक कर सकते हैं और या मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टूल को ओपन करना है। टूल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीवो के नीचे में जस्ट जो यहाँ पे एंड्रॉइड का ऑप्शन है और यहाँ पे अभी हमारे पास जो मोबाइल है, जो मेरे सब्सक्राइबर का मोबाइल है, वो है वीवो Y91C 1820। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मीडियाटेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्वर का, सर्वर पे आपको चेक लगाना है। सर्वर पे चेक लगाने के बाद आपको यहाँ पे ब्रांड पे जो है सिलेक्ट करना है, कंपनी सिलेक्ट करना है, ब्रांड पे क्लिक करके आपको, तो जैसे वीवो का फोन है वीवो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर सिलेक्ट करना होगा आपको। चलिए हम यहाँ पे मॉडल नंबर सिलेक्ट करते हैं। मॉडल नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको देखना यह है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। पिन लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है, क्या FRP लगा हुआ है। मान के चलिए अगर आपके मोबाइल में पिन लगा हुआ है या पैटर्न लगा हुआ है तो उसके लिए आपको मोबाइल को फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट डाटा पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका डाटा भी फॉर्मेट हो जाएगा। फैक्ट्री रिसेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो है फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा, पूरी तरह से आपका मोबाइल जो है फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे फैक्ट्री रिसेट करें या फॉर्मेट डाटा करें, आपका दोनों ही हालत में आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा। और मैं जो इस मोबाइल को अनलॉक कर रहा हूँ तो इसके अंदर में जो है अभी FRP लॉग है, यानी गूगल अकाउंट है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो है FRP पे चेक लगाना है, ठीक है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये जो ऑटोमेटिकली जो है ये अभी मोबाइल बूट नहीं किया है, अभी ये ऑनलाइन अटैच हो रहा है क्योंकि सर्वर द्वारा इसका जो फाइल होता है, बूट लोडर फाइल होता है, वो सर्वर द्वारा अटैच होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख रहा है वेटिंग फॉर डिवाइस। तो अब हमें क्या करना है, अब इस कंडीशन में हमें मोबाइल को बूट कराना होगा। मोबाइल को बूट कैसे करेंगे, इस मोबाइल को कोई भी वॉल्यूम प्रेस नहीं करना है आपको, वॉल्यूम डाउन अब कुछ भी आपको नहीं दबाना है, डायरेक्टली आपको मोबाइल को ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद मोबाइल को आपको डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है अपने कंप्यूटर में। और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे मोबाइल को ऑफ करके, वैसे आपका मोबाइल बूट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल जो बूट कर चुका है और कोई टाइम भी नहीं लगा यहाँ पे, और तुरंत जो है हमारा मोबाइल यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, FRP लॉक जो हमारा यहाँ पे रिसेट हो चुका है। चलिए मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि FRP ओके, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आपको इस टूल को अगर खरीदना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जो है इसे बुक कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा जो मोबाइल नंबर होगा व्हाट्सअप वाला और कॉलिंग वाला सेम नंबर है, दोनों एक ही नंबर है, और वो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।